इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन ने हवाई हमला किया है। यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट से स्ट्राइक की। रूसी इलाकों पर 250 हैमर एरियल बॉम्ब से अटैक किया गया। हमले में रूसी सेना के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन विनाश के बाद पुतिन के टारगेट पर अब नेटो आ चुका है और ये आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही। इसके पीछे की वजह है आर्कटिक से बाल्टिक सी तक पुतिन ब्रिगेड की जंगी तैयारी, विध्वंसक हथियारों की तैनाती। दरअसल रूसी डिफेंस ने नेटो के 8 देशों को टारगेट करने का, उन पर विध्वंसक हमले करने का प्लान तैयार कर लिया है और इसी प्लान के तहत बाल्टिक सी से बैरेंट्स सी तक पुतिन ने जंगी बेड़े, सबमरीन, एटमी बॉम्बर और 5th जनरेशन फाइटर जेट तक को तैनात कर दिया है। तो क्या जल्दी पुतिन नेटो के सुरक्षा कवच को ध्वस्त कर देंगे? क्या नेटो के 8 देशों में रूसी ध्वज फहरा देंगे? आप भी देखिए। बाल्टिक सी से बैरेंट्स सी तक नीले समंदर से बर्फिस्तान तक आसमान वाले एयरफील्ड से बॉर्डर वाले कॉन्फ्लिक्ट जोन तक रूस ने ऐसे विनाशकों को झोंक दिया है जिनका सिर्फ एक मकसद है, बारूदी तबाही मचाना। दुश्मन खेमे पर विध्वंसक प्रहार करना, सब कुछ तहस नहस करना। दरअसल आर्कटिक रीजन से बाल्टिक तक महाबली रूस ने प्रचंड युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस पूरे रीजन में प्रेसिडेंट पुतिन न सिर्फ सुरक्षा दीवार बनाएंगे बल्कि अपने विध्वंसक हथियारों से नेटो के 8 देशों में रूसी ध्वज फहराएंगे। क्योंकि पुतिन के आदेश के बाद रूसी डिफेंस ने आर्कटिक और बाल्टिक बॉर्डर पर RS-24 यार्स मिसाइल तैनात की है। इन क्षेत्रों में रूसी नौसेना के युद्धपोत और सबमरीन ने भी मोर्चा संभाला है। जहां बाल्टिक सी में रूसी युद्धपोत जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस हैं, तो वहीं आर्कटिक में तैनात सबमरीन RSM-56 बुलावा मिसाइल से लैस है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पहली बार रूसी डिफेंस ने इस तरह का चक्रव्यूह तैयार किया जिससे यूक्रेन तो छोड़िए, नेटो देशों तक की जान हलक में अटक गई है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक सनसनी फैल गई है। हर किसी के जहन में यही सवाल कौंधने लगा है कि आखिर पुतिन चाहते क्या है। ₹2024 में उनका विस्फोटक प्लान क्या है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध जल्द ही एटमी वॉर की शक्ल लेगा या फिर जो हश्र यूक्रेन का हुआ उससे भी भयावह मंजर नेटो के चंद देशों का होगा? रूसी
रूसी डिफेंस का एक्शन में आना। संकेत है कि अब प्रेसिडेंट पुतिन का टारगेट यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो के वो 8 देश हैं जिस पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। आखिर वो मुल्क कौन कौन से हैं ये भी बता देते हैं। पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले बाल्टिक के 3 देश लिथुएनिया, लातविया और एस्टोनिया हैं, जिनका बॉर्डर रूस से लगा हुआ है। ऐसे में क्रेमलिन को आशंका है कि बाल्टिक देशों से नेटो की सेना रूस पर धावा बोल सकती है, लिहाजा रूसी डिफेंस ने बाल्टिक देशों से सटे बॉर्डर पर मिसाइलें तैनात कर दी हैं। वहीं क्लेनिनग्राद में रूसी के जंगी बेड़े क्रूज मिसाइलों के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। बाल्टिक देशों के बाद पुतिन के टारगेट पर नॉर्डिक के 3 देश हैं, जिसमें शामिल हैं फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। दरअसल बाल्टिक सी और बारेंट्स सी के बीच मौजूद ये तीनों देश भी पुतिन के लिए सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि नॉर्वे तो पहले से ही नेटो का मेंबर था, वहीं फिनलैंड और स्वीडन हाल ही में नेटो के मेंबर बने हैं। ऐसे में आर्कटिक क्षेत्र में तीनों नॉर्डिक देश रूस के लिए खतरे की घंटी हैं। वहीं पुतिन बाल्टिक और नॉर्डिक देशों के साथ साथ नेटो के 2 और देशों की भी घेराबंदी कर रहे हैं। वो 2 मुल्क हैं पोलैंड और रोमानिया, जहां से यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि जहां पोलैंड और रोमानिया से पश्चिमी देश धड़ल्ले से हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, वहीं बाल्टिक देशों ने भी पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बाल्टिक देश रूस से सटे बॉर्डर पर सुरक्षा दीवार बना रहे हैं। एस्टोनिया में 2 ब्रिटिश सेना ने मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। इस मिलिट्री बेस पर ब्रिटिश कमांडो की एक टुकड़ी तैनात है। बाल्टिक देशों ने रूसी बॉर्डर के पास बारूदी सुरंग बिछा रखी है। वहीं सरहदी इलाकों में ड्रैगन टीथ टैंक बैरियर भी बनाए गए हैं। बस बाल्टिक देशों की इस गुस्ताखी से पुतिन भड़के हुए हैं। क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि बाल्टिक देशों के साथ मिलकर नेटो की सेना क्लेनिनग्राद को टारगेट कर सकती है। जो कि पुतिन का सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर सेंटर है। ऐसे में क्लेनिनग्राद को बचाने के लिए रूस ने बाल्टिक देशों की घेराबंदी कर दी है। वहीं फिनलैंड और स्वीडन के नेटो मेंबर बनने से भी रूस को खतरा है। दरअसल फिनलैंड की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ सटी हुई है। खास बात यह है कि फिनलैंड का बॉर्डर कोला पेनिनसुला से सटा है। कोला में रूस का न्यूक्लियर बेस और आर्कटिक नेवल बेस है। ऐसे में पुतिन ने बाल्टिक सी से आर्कटिक तक बारूद बिछा दिया है ताकि रूसी सरजमी पर मंडरा रहे किसी भी खतरे को जड़ से खत्म किया जा सके। हैरान करने वाली बात यह है कि रूसी डिफेंस ने सिर्फ जंगी बेड़े, सबमरीन और मिसाइलों को ही वॉर जोन में नहीं झोंका है बल्कि आधुनिक युग के विनाशक हथियार भी जल्द ही बैटल ग्राउंड में दस्तक देने वाले हैं। दरअसल रूसी डिफेंस की तरफ से जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक साल 2024 में रूसी नौसेना को 40 नए युद्धपोत मिलेंगे। इन युद्धपोतों की तैनाती आर्कटिक से ब्लैक सी तक होगी। रूसी नेवी को 90,000 टन वजनी जंगी बेड़ा भी मिलेगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर SU-57 फाइटर जेट तैनात होंगे। रूस का SU-57 पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। वहीं रूस ने TU-160 एटमी बॉम्बर को भी अपग्रेड किया है। यकीन मानिए इन जंगबाजों के रूसी बेड़े में शामिल होने के साथ ही पुतिन ब्रिगेड की ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तमाम अपग्रेडेड हथियार न सिर्फ किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम हैं, बल्कि इसके साथ साथ एटमी तबाही भी मचा सकते हैं। और वैसे भी पुतिन के करीबी और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी है कि अब अमेरिका और नेटो की जगह सिर्फ नर्क में ही बची। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।